जय हिंद बच्चों, आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण लघु उत्तरी एवं अति लघु उत्तरी प्रश्न यानी बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। बच्चों देखो, चैप्टर दो रहे बच्चों। चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इससे संबंधित जितने भी बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं उन सब के विषय में हम लोग चर्चाएँ करेंगे। ताइए बच्चों देखते हैं, जो है पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के दो प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो उत्तर हम लोग देखेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र थे, नंबर एक बच्चों सुमेरिया तथा बेबीलोन। अगला क्वेश्चन है, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम बच्चों मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हेम्मुराबी की विधि संहिता का एक विशेषता बताइए। तो हेम्मुराबी की विधि संहिता की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अधिकारों के साथ साथ मनुष्य के उत्तरदायित्व संबंधी कानूनों का भी उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे, मेसोपोटामिया के दो प्रमुख देवताओं के नाम बताइए। तो मेसोपोटामिया के दो प्रमुख देवता बच्चों एनलिल वायु देवता और जो है शम्स यानी सूर्य देवता, ये दो थे। अगला क्वेश्चन देखो, जिग्गुरात का क्या अर्थ है? तो उत्तर देखो, मेसोपोटामिया के लोग नगर की पहाड़ी पर मंदिर बनाते थे। इन मंदिरों को जो है जिग्गुरात या जिगुरत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में पित्तेसी किसे कहते थे? तो मेसोपोटामिया में प्रधान मंदिरों के वे पुजारी जो शासन का कार्य करते थे पित्तेसी कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि षटदार्शनिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था? तो षटदार्शनिक प्रणाली का आविष्कार मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था? तो जिगुरत का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित था। हेम्मुराबी कौन था वह अपने किस उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो हेम्मुराबी बेबीलोन का एक महान शासक था। वह जो है बेबीलोन में पूर्व प्रचलित तथा अनेक नवीन कानूनों का संग्रह कराने के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया में कांस्य का उपयोग कब आरंभ हुआ? तो मेसोपोटामिया में कांस्य का उपयोग 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। लेखन का प्रयोग किस कार्य में होता था? तो लेखन का प्रयोग हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता था। डैगन कौन था? तो डैगन स्टेपी क्षेत्र के देवता थे। हेमोराइट समुदाय के लोगों ने डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर बनवाया था। मारी के राजाओं का भोजन किस प्रकार का होता था? तो मारी के राजाओं का भोजन विविधता होती थी, जिसमें रोटी, मांस, मछली, फल, जौ और अंगूर की शराब शामिल थी। अलासिया क्यों प्रसिद्ध था? अलासिया अपने तांबे के लिए प्रसिद्ध था। मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका काल क्या है? तो मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका 3200 ईसा पूर्व की है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता में किस प्रकार के परिवार को आदर्श परिवार माना गया है? मेसोपोटामिया सभ्यता में एकल परिवार को आदर्श परिवार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आप कांसे से क्या समझते हैं? मेसोपोटामिया में कांसे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो कांसा एक बच्चों धातु है। इसका निर्माण तांबे और रागे जैसी अन्य धातुओं के मिश्रण से होता है। मेसोपोटामिया में कांसे का प्रयोग कांस्य युग अर्थात 3000 ईसा पूर्व में जो है प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मेसोपोटामिया के मंदिरों में कौन से प्रमुख देवता के निवास स्थान थे? तो मेसोपोटामिया के मंदिरों में उर जो की चंद्र देवता व इन्नाना जो कि प्रेम व युद्ध की देवी थी के निवास स्थान थे। बेबीलोन के किस शासक ने अक्कद के राजा सारगोन की जो है खंडित मूर्ति मरम्मत कराई? तो बेबीलोन के शासक नेबिटिनस ने अक्कद के राजा सारगोन की जो है खंडित मूर्ति मरम्मत करवाई थी। मेसोपोटामिया सभ्यता किन दो नदियों के बीच स्थित थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के मध्य स्थित थी। बच्चों नौकरियों में सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुविकल्पी भी देख लिया जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो ये जो है बेबीलोनिया था। इसका सही जवाब जो है बच्चों खा हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये जो है सारगोन जो है प्रथम था। विश्व की पहली विधि संहिता का निर्माण करवाया था किसने? हेम्मुराबी। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? कुम्हार के चाक का प्रयोग
कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था सुमेरिया में सबसे पहले हुआ था। संसार में चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला राजा कौन था? तो बच्चों जो है सेनाक्रीत, सही जवाब जो है खा हो जाएगा, सेनाक्रीत। कांस्य युग में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग औजार बनाने में किया गया था? तो बच्चों हो जाएगा तांबा। कांस्य युग में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग औजार बनाने में किया गया? तांबा का। जिगुरत का संबंध किससे है? तो ये बच्चों हो जाएगा गा, हो जाएगा मेसोपोटामिया से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था? ये जो है दजला फरात नदी की घाटी में जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है, मेसोपोटामिया जो है यूनानी भाषा का शब्द है। मेसोपोटामिया में पूरा तात्विक खोजों की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो ये जो है गा हो जाएगा बच्चों 1840 के दशक से हुई थी। कांसा धातु का निर्माण किन दो अन्य धातुओं के मिश्रण से होता है? तो जो है तांबा और रांगा, तो सही जवाब जो है का हो जाएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई हैं वे लगभग कितनी पुरानी है? तो बच्चों जो है घा हो जाएगा 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। मेसोपोटामिया क्षेत्र की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? तो ये जो है घा हो जाएगा सुमेरियन थी। सुमेर में व्यापार का प्रथम घटना को किस शासक से जोड़ा जाता है? तो ये जो है एन मरकर। पत्थर के ऐसे शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे क्या कहलाते हैं? अभिलेख लिख कर लिखा हुआ लेख को अभिलेख कहते हैं। पत्थर के ऐसे शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे क्या कहलाते थे? तो जो स्टेल कहलाते थे। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? तो ये जो है नैबोनिडस। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक नैबोनिडस था। तो बच्चों ये थे जो है अतिलगुत्री और बहुविकल्पी प्रश्न कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए।